मानसून का तीसरा स्पेल, लाहौर समेत कई शहरों में बारिश, नशेबी इलाके जेरे आब, बिजली का निजाम दरहम बरहम, लेस्को के 180 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप, इस्लामाबाद में खातून और बच्चा घर के बेसमेंट में डूब कर जाँ बहक, रावलपिंडी में बारिश के बाद नालालई की सतह बुलंद, दरियाए चनाब में सैलाब, नशेबी इलाकों के मकीनों को नकल मकानी की हिदायत जारी, कराची में भी रिमझिम, हफ्ते तक तेज बारिश की पेशगोई। आम इंतखाबात को एक साल मुकम्मल, पीटीआई का यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान, मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का ट्विटर पैगाम, लिखा 25 जुलाई के इंतखाबात में इमरान खान की 23 साल जदोजहद रंग लाई, लूट मार करने वाले इबरत का निशान बन रहे हैं, कौम ने मौरूसी गुलामी मुस्तरद कर दी, आज इन अनासर की शिकस्त का दिन है जिन्होंने कौम के माल में खयानत की। पाकिस्तान में इस इलेक्शन से पहले कितनी और हुकूमतें गुजरी हैं कि एक साल हो और कोई एक स्कैम भी किसी हुकूमत का सामने ना आए, इससे ज़्यादा क्लीन गवर्नमेंट इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में, जदीद तारीख में तो कम से कम नहीं रही है। पीटीआई हुकूमत के पहले साल कोई करप्शन केस सामने नहीं आया, हुकूमत कौम के पैसे का तहफ्फुज कर रही है, वफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू, कहा एक साल के दौरान मुल्क में अमन की सूरत हाल बेहतर हुई, दहशत गर्दी के खिलाफ इकदामात हुकूमत की कामयाबी है। हुकूमत को इलेक्शन जीते एक साल मुकम्मल, अपोजिशन जमातों का मुल्क भर में यौम सयाह मनाने का ऐलान, बड़े शहरों में बड़े जलसों की तैयारी, बिलावल भुट्टो कहते हैं अवाम आज हुकूमत के खिलाफ अपना फैसला सुनाएंगे। और जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल का एक किरदार नासिर जंजुआ सामने आ गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत कबलस गिरफ्तारी के लिए दरखास्त दायर, मौकिफ अख्तियार किया कि वीडियो स्कैंडल के हवाले से इल्जामात बेबुनियाद हैं, जज अरशद मलिक ने नासिर जंजुआ पर ब्लैकमेलिंग और धमकियों का इल्जाम आयद किया था।